वर्तमान आम नवम श्रेणी जमिति बही चतुर्भुज अध्याय किसी उपपाद्य करवा तो प्रथम उपपाद्य हूँ उपपाद्य 20 जार प्रश्न अच्छी कि प्रमाण कर गोटे चतुर्भुज दुईट विपरीत बाहु परस्पर सह सर्वसम व समांतर हेले चतुर्भुजटी एक सामांतरिक चित्र हेबो। तो देख सामान्य कथन लेखिदबा प्रश्न को जमती अच्छे सेमती उत्तर दबा सामान्य कथन रे गोटे चतुर्भुज दुईट विपरीत बाहू परस्पर सह सर्वसम व समांतर हेले चतुर्भुजटी एक सामांतरिक चित्र। सामान्य कथन पर आम जा डायरेक्ट चित्र को देखो चित्र तुमको बिल्कुल सामांतरिक चित्र करार अच्छी कहीं तुम परवर्त समय प्रमाण कर चतुर्भुज एक सामांतरिक चित्र बोली जेकोसी चतुर्भुज चित्र तुम करनी सामांतरिक चित्र भाया ही कर गोटे चतुर्भुज जार ना देदेव ए बी सी आउ डी बुझिपार तो जेकोसी दुई विपरीत बाहु तुमको धरनेवार अच्छी जमीक ए बी बाहू सागर सी डी बाहू सामान आ सर्वसम दे तो चित्र पर आम दत्त लिखा दत्तरे आम कौन लिखा ना ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी हूँ गोटे चतुर्भुज जारकि दुईट विपरीत बाहु परस्पर सहित तो सर्वसम व समांतर अर्थात ए बी बाहु सांगे सी डी बाहु सर्वसम एवं से ही ए बी बाहु सांगे सी डी बाहु समांतर मध्य हला ए बी बाहु सांगे सी डी बाहु समांतर एवं सर्वसम दत्त पर आम लिखा प्रामाण्य आमको कौन प्रमाण करने आमको प्रमाण करने पड़ो जे ए बी सी डी हूँ गोटे सामांतरिक चित्र लिखा ए बी सी डी एक सामांतरिक चित्र यार अर्थ हो ए डी बाहु सांगे बी सी बाहु समांतर हे सामांतरिक चित्र क्या कहवा ना जार दुई जोड़ा विपरीत बाहु परस्पर सहित समांतर हे ये तो गोटे जोड़ा बाहु दे माने ए बी बाहु सांगे सी डी बाहु समांतर दे आमको केवल प्रमाण करने पड़ो जे ए डी बाहु सहित बी सी बाहु समांतर देले जाए आम प्रमाण कर दे पारिबा जे ए बी सी डी हूँ गोटे सामांतरिक चित्र। चलो प्रामाण्य पर गोटे छोटिया अंकन अच्छी अंकन में तुम कौन कर जेकोसी गोटे कर्णर दैर्घ्य अंकन कर जमीक मुझे एसी कर्णर दैर्घ्य अंकन करुच्ची तो देख लिखा एसी कर्ण अंकन करा जाओ लिखा एसी कर्ण अंकन करा जाओ बुझिपाल चलो अंकन कर सारापर एबे डायरेक्ट जीवा प्रमाण को देख आम अंकन कर सारे माने एसी कर्ण अंकन कर सारे ये जो चतुर्भुज टी केतोटी त्रिभुज रे परिणत हो जाऊँगी तुम कह दुईट त्रिभुज रे परिणत हो जाऊँगी कौन कौन ना ए बी सी त्रिभुज आउ ए डी सी त्रिभुज देखा समस्त को ए बी सी त्रिभुज ये जो त्रिभुजा आउ ए डी सी त्रिभुज है तो यही दुईटा त्रिभुज को आमको सर्वसम करने पड़ो देख कमी त्रिभुज ए बी सी ओ त्रिभुज ए डी सी द्वय प्रथम कथा जे आमको दत्त अच्छी ए बी बाहु सांगे सी डी बाहु समान लिखिद ए बी बाहु सांगे सी डी बाहु समान बुझिपार द्वितीय कथा देखो यही जो कोण माने बी ए सी कोण सांगे डी सी ए कोणर परिमाण समान हम कहीं देख आमको दत्त अच्छी ए बी समांतर सी डी ए बी समांतर सी डी आउ एसी हम ये कौन गोटे छेदक ए बी समांतर सी डी कौन आमको दत्त अच्छे एक कथा आगु आउ एसी हूँ गोटे छेदक दुईट समांतर सरल रेखा को एक छेदक छेद कले उत्पन्न होता एकांतर कोण मानकर परिमाण समान ये दुईटा कौन हे एकांतर कोण बी ए सी कोण आउ डी सी ए कोण एम परस्पर एकांतर हे तो आम लिखि पार मेजरमेंट बी ए सी इक्वल टू मेजरमेंट डी सी ए कौन पाई ना एकांतर कोण पाई सब जमिति कारण दर्शेब कौन पाई लिखुच चलो ए बी इक्वल टू सी डी कौन पाई ना दत्तरे अच्छे कथा तृतीय कथा कौन ना ये देखो एसी बाहूटा एटा त्रिभुज ए बी सी रे भी अच्छी आ त्रिभुज ए डी सी रे भी अच्छी तमें लिखिपर एसी हूँ साधारण बाहू बात लिख एसी इक्वल टू एसी मान त्रिभुज ए बी सी रसी आ त्रिभुज ए डी सी रसी ये दुटा को परस्पर सहित तो समान तो एमती लिखिदारे एसी
साधारण बाहु चलो तीन टा कथा जेहेतु आम ये लिखीदे सामान बोली तो अतएव त्रिभुज ए बी सी सर्वसम त्रिभुज ए डी सी कौन पाई ना बाहु कोण बाहु एटा बाहु दुटा सामान अच्छी ये कोण दुटा सामान अच्छी ये गोटे ये बाहु दुटा सामान अच्छे बुझिपारे कि नहीं तो बाहु कोण बाहु बा को बा सर्वसम्मता अनुसार ये ब्राकेट लिखीदेव बा को बा चलो बर्तमान सर्वसम त्रिभुजर अनुरूप कोण माने परस्पर सामान हमें माने ये देख ये जो डी ए सी कोण सांगे बी सी ए कोण भी सामान हम कि नहीं निश्चित सामान हम कहीं दुटा एक सर्वसम त्रिभुज आ सर्वसम त्रिभुजर मूल ठारू चूड़ पर्यंत सब सामान बुझिपारे कि नहीं प्रत्येक कोण प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य परस्पर सहित सामान चलो ये कोण सांगे ये कोण सामान देखिए एवं लिखा ये दुटा कोण परस्पर सामान मानते डी ए सी कोण सांगे बी सी ए कोण सामान लेखो मेजरमेंट डी ए सी समान मेजरमेंट बी सी ए बुझिपार चलो तुम भले कि देख ये दुटा मध्य तो एकांतर ना केमती देख ए भाया अच्छे आम पाखे ए डी बाहू एमती अच्छी एमती अच्छी बी सी बाहू आ मझीर अच्छी एस सी तो एस सी जदि गोटे छेदक हम तेल ये दुटा कौन परस्पर कौन हम एकांतर हम बुझिपार ना तो आम लिखिदार मात्र एमाने एकांतर प्रथमे आमे ए दुटा त्रिभुज को सर्वसम करी ए दुटा कोणर परिमाण समान बोली बाहर कले ए दुटा कोणर परिमाण समान बोली बाहर कले डी ए सी समान बी सी ए लिखले डी ए सी कोण समान बी सी ए कोण किंतु एमाने हेले एकांतर कोण आउ जदि एकांतर कोण मानकर परिमाण समान हबो ताले निश्चित भाबरे ए डी इज पैरेलल टू बी सी आमे लिखि देबा ए डी इज पैरेलल टू बी सी बुझि पारछो चलो तो आम लिखिदे डी सिंप्लाइज दैट ए डी इज पैरेलल टू बी सी देखो एटा ही आमको प्रमाण करिवार थिला जे ए डी समांतर बी सी बोली पूर्वर आमको देछि ए बी समांतर सी डी बोली यार अर्थ होउछि ए बी सी डी होउछि गोटे सामांतरिक चित्र तो ये लिखिदेव डी सिंप्लाइज दैट ए बी सी डी एक सामांतरिक चित्र चलो एटा ही आमको प्रमाण करिवार थिला आउ लिखिबा प्रूव्ड बा प्रमाणित बुझिहला चलो उपपाद्य एकुश को उपपाद्य एकुश रो प्रश्न अच्छी जे प्रमाण कर सामांतरिक चित्र रो विपरीत बाहु माने परस्पर सर्वसम हेबे बोली हला तो सामान्य कथन रे आमे लिखि दैजे जे सामांतरिक चित्र रो विपरीत बाहु माने परस्पर सर्वसम सामान्य कथन परे आमे चित्र करिवा आ चित्र रे गोटे सामांतरिक चित्र आंकिबा देखो ये होची हमरो एबीसीडी सामांतरिक चित्र चित्र रे आमे गोटे चतुर्भुज कले जहाँ कि गोटे सामांतरिक चित्र आर ना दे एबीसीडी चित्र पर दत्त लिखा दत्त आमको कौन देखिए ना एबीसीडी एक सामांतरिक चित्र आ किसी देनी खाली कह सामांतरिक चित्र तुम्हें प्रमाण कर तार विपरीत बाहू मान परस्पर सामान दत्त लिखा जे एबीसीडी एक सामांतरिक चित्र दत्त पर आम लिखा प्रामाण्य कौन प्रमाण करवा ना यार विपरीत बाहु माने परस्पर सहित सामान अर्थात ए बी विपरीत बाहु किए सी डी ए बी बाहु सहित सी डी बाहुर दैर्घ्य सामान हम ए डी बाहु सहित बी सी बाहुर दैर्घ्य सामान हम तो लिखा ए बी सामान सी डी एवं ए डी सामान बी सी बुझिपार चलो प्रामाण्य परे एटी गोटे छोटिया अंकन अच्छी जेकोसी गोटे कर्णर दैर्घ्य अंकन करमती मुझे एस सी कर्णर दैर्घ्य अंकन करसी कर्ण अंकन करा जाऊ तो अंकन करवा एस सी कर्ण चलो एस सी कर्ण अंकन करने फल एमर जो ए बी सी डी सामांतरिक चित्र अच्छे एटा दुटा त्रिभुज में परिणत हो गला कौन कौन त्रिभुज ना ए बी सी त्रिभुज आउ ए डी सी त्रिभुज बुझिपार चलो अंकन पर आम कौन करवा डायरेक्ट प्रमाण को जी तो लिखा त्रिभुज ए बी सी ओ त्रिभुज ए डी सी द्वय ए दुटा त्रिभुज को सर्वसम करवा देख प्रथम कथा हूँ ये एसी साधारण बाहू कहीं एसी बाहूटा
त्रिभुज ए बी सी रे भी अच्छी त्रिभुज ए डी सी रे भी अच्छी तो लिखिबा एसी साधारण बाहु। चलो द्वितीय कथा हूँ एटी जे डी ए सी कोण सांगरे बी सी ए कोणर परिमाण समान काहेकि ना जेहेतु ए बी सी डी गोटे सामांतरिक चित्र ताहले ए डी बाहु सहित बी सी बाहु तो समांतर होइतिबो आउ दुईटा समांतर सरल रेखा को एक छेदक छेद कले उत्पन्न होउतिबा एकांतर कोण मानकर परिमाण समान हुए बुझिपारे कि नहीं तो आम लिखि दे परिबा मेजरमेंट डी ए सी समान मेजरमेंट बी सी ए। चलो ये कौन पाई ना एकांतर कोण पाई हला जदि आउ टिके इलाबोरेट करिया पाई चाहूचो तले एठी लिखि देबो जेहेतु एडी समांतर बीसी एवं एसी छेदक बुझी पार्छ ना। चलो तीन नंबर कथा हूँ जे बी ए सी कोण सांगरे डी सी ए कोण समान हो कहीं ना जेहेतु ए बी बाहु सहित सी डी बाहु समांतर कारण ए बी सी डी हूँ गोटे समांतरिक चित्र ए बी बाहु सहित सी डी बाहु समांतर आउ एसी छेदक ताहले उत्पन्न होता एकांतर कोण मान परिमाण समान बुझी पार्छ कि नहीं देख बोल कि ए बी बाहु सांगरे सी डी बाहुर दैर्घ्य कोण हूँ समांतर हूँ तो बर्तमान एसी हूँ छेदक ताने उत्पन्न होता एकांतर कोण मान परिमाण समान हो कि नहीं बी ए सी सांगरे डी सी ए समान हो कि नहीं समान हो तो लेख बी ए सी कोण सांगरे डी सी ए कोण भी समान कोण पाई एकांतर कोण पाई बुझीगला। चलो तीन टा कथा जेहेतु समान हो गला आम लिखिदे पारिबा त्रिभुज ए बी सी सर्वसम त्रिभुज ए डी सी कोण पाई ना दीटा कोण गुटे बाहु आम लिखिदे पारिबा को को बा सर्वसम्मता अनुसार कोण कोण बाहु सर्वसम्मता अनुसार त्रिभुज दीटा सर्वसम्म हो गला तो लिखिदबा एठी को बा बुझिपार अर्थात कोण कोण बाहु सर्वसम्मता एबे देखो दुईटा त्रिभुज जेहेतु सर्वसम हो गला आम अनुरूप बाहु को सर्वसम कही पारा अर्थात ए बी बाहु सांगे सी डी बाहु सर्वसम ए डी बाहु सहित बी सी बाहु सर्वसम हम है अनुरूप बाहु मान दैर्घ्य सामान हम तो लिखा ए बी बाहु सामान सी डी बाहु एवं ए डी बाहु सामान बी सी बाहु तो यही तो प्रमाण करते कहुत आमको प्रूफ बुझिपार्छ ना नहीं चल आग को जीवा उपपाद्य बाईस प्रश्न रोचे जे प्रमाण कर गोटे चतुर्भुज विपरीत बाहु मान सर्वसम हेले एहा एक सामांतरिक चित्र हेब तो वर्तमान आम गोटे चतुर्भुज अंकन करवा जार कि विपरीत बाहु मानकर दैर्घ्य परस्पर समान देख एमती आम गोटे चतुर्भुज अंकन करचे ए बी सी आउ डी तो ए बी सी डी हूँ गोटे चतुर्भुज जार कि विपरीत बाहु मानकर दैर्घ्य परस्पर समान से आम दत्त लिखा जे ए बी सी डी चतुर्भुज रे ए बी बाहु सांगरे सी डी बाहुर दैर्घ्य समान एवं ए डी बाहु सांगरे बी सी बाहुर दैर्घ्य समान बुझिपारुछ माने ए बी बाहु सांगरे सी डी बाहुर दैर्घ्य समान ए डी बाहु सांगरे बी सी बाहुर दैर्घ्य समान। चलो एतिकि ही आमको दत्त दैछि एवं आम प्रमाण करिबा जे एई जो चतुर्भुजटा होछि गोटे सामांतरिक चित्र दत्त परे आम लिखिबा प्रामाण्य कौन आम प्रमाण करिबा आम एटी प्रमाण करिबा जे ए बी सी डी एक सामांतरिक चित्र सामांतरिक चित्र क्या कहा जाए ना जहाँ विपरीत बाहु माने परस्पर सहित तो समांतर अर्थात आमको एक कथा प्रमाण करने पड़ो जे ए बी बाहु सांगे सी डी बाहु समांतर आउ ए डी बाहु सांगे बी सी बाहु समांतर बुझिपारुच। चलो ये गोटे छोटिया अंकन अच्छी तो आम अंकन करवा जेकोसी गोटे कर्णर दैर्घ्य तुमको अंकन करने पड़ो जमीक मुझे एसी कर्णर दैर्घ्य अंकन करी लिखी एसी कर्ण अंकन करा जाऊ तुम यदि बी डी कर्ण अंकन करने चाहो ताल भी करपर कि गोटे कर दुईटा आग कर गोटे कर्ण कर चलो अंकन करदे ये
ଏମିତି ଏସି ହେଇଗଲା। ଅଙ୍କନ ପରେ ଏଠି ପ୍ରମାଣକୁ ଯିବା ବା ପ୍ରୁଫ। ଦେଖ ଏଠି ତମେ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖିପାରୁଛ, କ'ଣ କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ନା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ସି, ଏ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖିପାରୁଛ। ତ ଲେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ସି ଦ୍ୱୟରେ, ଏ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମାନ ଅଛି ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏ ବି ବାହୁ ସାଙ୍ଗରେ ସି ଡି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ର ଏ ବି ବାହୁ ସାଙ୍ଗରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ସି ର ସି ଡି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଦତ୍ତରେ ଏକଥା ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ ଡି ବାହୁ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଏ ଡି ସମାନ ବି ସି, କାହିଁକି ନା ଦତ୍ତରେ ଦେଇଛି ଏ କଥା ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟା କଥା ଆମକୁ ଆଗରୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଚାଲ ତୃତୀୟ କଥା କ'ଣ ସମାନ ଅଛି ନା ତମେ କହିବ ଯେ ସାର୍ ଏସିଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବାହୁ, ସାଧାରଣ ବାହୁ ମାନେ ଏସି ବାହୁଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ବି ଅଛି ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ସିରେ ବି ଅଛି। ତ ଲେଖିବା ଏସି ସାଧାରଣ ବାହୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ସି ସର୍ବସମ ହେଇଯିବ। ଲେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ସି, କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବାହୁ 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 ସର୍ବସମତା ପାଇଁ, ତିନିଟା ଏକ ବାହୁ, ଏଟା ବି ବାହୁ ଏଟା ବି ବାହୁ ଏଟା ବି ବାହୁ, ତ ବାହୁ 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 ସର୍ବସମତା ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟା ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୂପ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହୁଏ। ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା ଡି ଏ ସି କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହବ ବି ସି ଏ କୋଣ। ତ ଲେଖ ଡିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦଟ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଡି ଏ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବି ସି ଏ, ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କୋଣ ସମାନ ହବ ନା ବି ଏ ସି କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ ଡି ସି ଏ କୋଣ ସମାନ ହବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଆମେ ଲେଖିବା ବି ଏ ସି କୋଣ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବି ଏ ସି କୋଣ ସମାନ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଡି ସି ଏ କୋଣ। ତମେ ଯଦି ଭଲିକି ଦେଖିବ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାନ୍ତର କୋଣ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟା କୋଣକୁ କନସିଡର କରିବା ମାନେ ଡି ଏ ସି କୋଣ ଆଉ ବି ସି ଏ କୋଣ, ଆମେ ଏମିତି ନେଇଛେ ଭଲିକି ଦେଖ, ଏଠି ହେଉଛି ଏ ଡି ବାହୁ ଅଛି, ଏଠି ହେଉଛି ବି ସି ବାହୁ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଏସି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରୁଛେ। ପୁଣି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଡି ଏ ସି କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସି ଏ କୋଣ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦୁଇଟା ତ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ହେବେ ନା, ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଦୁଇଟା ସମାନ କେତେବେଳେ ହୁଅନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଏ ଡି ସାଙ୍ଗରେ ବି ସି ହବ ସମାନ୍ତର। ଯଦି ଏ ଡି ସମାନ୍ତର ବି ସି ଥିବ ଆଉ ଏସି ଗୋଟେ ଛେଦକ ଥିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଏକାନ୍ତର କୋଣ ମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା ଏ ଡି ସମାନ୍ତର ବି ସି। ତ ଲେଖ ଏ ଡି ସମାନ୍ତର ବି ସି, ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ବି ଏ ସି କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ ଏପଟେ ବି ଏ ସି କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ ଡି ସି ଏ କୋଣ ସମାନ, ଏମାନେ ବି ତ ଏକାନ୍ତର କୋଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ସମାନ୍ତର ସି ଡି ହବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଏମିତି ଅଛି ଏ ବି ସମାନ୍ତର ସି ଡି ହେଲେ ସି ଡିଟା ଏପଟେ ଅଛି ସି ଡି ଆଉ ଏସି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛେଦକ, ଦେଲେ ଆମର ଏଇ ଦୁଇଟା କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହବନି, ବି ଏ ସି ସାଙ୍ଗରେ ଡି ସି ଏ କୋଣ ସମାନ ହବ, ଦେଲେ ଯାଇକି ତ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଏକାନ୍ତର କୋଣ ବୋଲି ହେଲା। ଯଦି ଦୁଇଟା ଏକାନ୍ତର କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ଦେଇଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ବି ସମାନ୍ତର ସି ଡି, ତ ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଏ ବି ସମାନ୍ତର ସି ଡି। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଦୁଇ ବିପରୀତ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ୍ତର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ସାଙ୍ଗରେ ସି ଡି ସମାନ୍ତର, ଏ ଡି ସାଙ୍ଗରେ ବି ସି ସମାନ୍ତର। ତ ଯଦି କୌଣସି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଦୁଇ ବିପରୀତ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେବେ ତାହାକୁ ଆମେ କି ଚତୁର୍ଭୁଜ କହିବା, ତାହାକୁ କହିବା ଆମେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଯେ ଡିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦଟ୍ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରତେ କୁହାହେଇଥିଲା, ତ ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରୁଭ୍ଡ, ବୁଝିପାରିଲ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା।
परवर्ती प्रश्न अछि उपपाद्य 23 रो उपपाद्य 23 रो प्रश्न अछि जे प्रमाण कर समांतरिक चित्र रो विपरीत कोण माने परस्पर सर्वसम बोली तो देखो चित्र करिवा जे कोनसे गोटे समांतरिक चित्र अंकन कर आउ तार ना दे दियो जेंते हम दे आछे ए बी सी डी ए बी सी डी हो जोटे समांतरिक चित्र आउ तार विपरीत कोण माने परस्पर सर्वसम बोली हमकू प्रमाण करिया बे पडियो माने ए कोण संगे सी कोण समान बी कोण संगे डी कोण समान बुझी पारु छो चलो चित्र परे हम दत्त लिखिबा दत्त रे हम लिखिबा जे ए बी सी डी एक समांतरिक चित्र बस एतिक दी चाउ किस दिन चित्र लिखिले दत्त तापर प्रामाण्य प्रामाण्य को आसीबा कोण प्रमाण करिबा प्रामाण्य रे लिखिबा आमे विपरीत कोण माने परस्पर समान यार अर्थ होची बी कोण संगरे डी कोण रो परिमाण समान होबो एवं आमे कहिबा ए कोण संगरे सी कोण रो परिमाण समान होबो लिखिबा मेजरमेंट ए समान मेजरमेंट सी बुझी पारछो ना विपरीत माने बुझी पारछो तो ए कोण सामना रे जे कोण अछि सी कोण ए कोण आ सी कोण रो परिमाण समान होबो बी कोण ता सामने रे छि डी कोण त माने बी कोण आ सी कोण रो परिमाण समान होबो त एठी भी तमे जे कोनसी गोटे कर्ण रो दैर्घ्य अंकन करि परिबो आमे जेमति कि कर्ण अंकन करिबा एस सी त लेखिबा अंकन रे कि एस सी कर्ण अंकन करा जाउ चलो अंकन हो सारा पर डायरेक्ट जावा कौटी की ना प्रमाण को देख एटी केतरा त्रिभुज सृष्टि होती दुटा त्रिभुज सृष्टि होती त्रिभुज एबीसी आउ त्रिभुज एडीसी देखा समस्त त्रिभुज एबीसी आउ त्रिभुज एडीसी तो लिखिबा त्रिभुज ए बी सी ओ त्रिभुज ए डी सी द्वय रे ए दुटा त्रिभुज रे कोन कोन समान अछि ना प्रथम कथा होची जे ये कोण संगे ये कोण रो परिमाण समान काहेकि ना एबीसीडी जेतु समांतरिक चित्र एबी बाहु सहित सीडी बाहु समांतर आउ एसी गुटे छेदक तेणु दुटा समांतर सरल रेखा को एक छेदक छेद कले उत्पन्न होता एकांतर कोण मान परिमाण समान तो आम लिखिदे पारे मेजरमेंट बी ए सी समान डी सी ए बी ए सी समान मेजरमेंट डी सी ए कारण भी देखेबो एकांतर पे द्वितीय कथा होची कि ଏଇ କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ କୋଣ ସମାନ ତାମାନେ ଡି ଏ ସି କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସି ଏ କୋଣ ସମାନ ଯେମିତି ଲେଖ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବି ସି ଏ କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଡି ଏ ସି କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଇ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛ ଚାଲ କାହିଁକିନା ଏ ଡି ସମାନ୍ତର ବି ସି ଆଉ ଏ ସି ଗୋଟେ ଛେଦକ ତାହେଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଏକାନ୍ତର କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ପରସ୍ପର ସମାନ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ସମାନ ଅଛି ନା ଏ ସି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବାହୁ ଚାଲ ଲେଖିଦେବା ଯେ ଏ ସି ସାଧାରଣ ବାହୁ ତିନିଟା କଥା ସମାନ ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ସି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଇ କୋଣ କୋଣ ବାହୁ କୋ କୋ ବା ସର୍ବସମତା ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟା ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ଲେଖିବା କୋ କୋ ବା ବୁଝିପାରିଲ ଚାଲ ଯେହେତୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟା ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁରୂପ କୋଣର ପରିମାଣ ବି ସମାନ ହେବ ତାମାନେ ବି କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ ଡି କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ର ବି କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ସି ର ଡି କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ ତ ଲେଖିଦେଇପାରିବା ମେଜରମେଣ୍ଟ ବି କୋଣ ସମାନ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଡି କୋଣ ବୁଝିପାରୁଛ ଚାଲ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ବି ଡି କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ଆଉ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇପାରିବା ଏ କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ ସି କୋଣର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ ତ ତମକୁ ଏଇଠି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ନାହିଁ ଖାଲି ଲେଖିଦେବ ଯେ ସେହିପରି ଭାବରେ ବି ଡି କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ଯେ ବି କୋଣ ସମାନ ଡି କୋଣ ସରି ବି ଡି କୋଣ ଅଙ୍କନ କଲେ ତମେ ପ୍ରମାଣ କରିବ ଏ କୋଣ ସମାନ ସି କୋଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛେ ବି କୋଣ ସମାନ ଡି କୋଣ ଆଉ ବି ଡି କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ କଲେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇପାରିବା ଯେ ଏ କୋଣ ସମାନ ସି କୋଣ ବୁଝିପାରିଲ ନା ତ ଲେଖିବ ସେହିପରି ଭାବେ ବିଡ଼ି କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରେ କି
मेजरमेंट ए कोण समान मेजरमेंट सी कोण। चलो एतिक लिखिक लिखिब प्रूव्ड बा प्रमाणित बुझिपारे कि नहीं। चलो परवर्ती गणित परवर्ती प्रश्न अच्छी उपपाद्य 24 प्रमाण कर गोटे चतुर्भुजर विपरीत कोण मान परस्पर सर्वसमय हेले चतुर्भुजटी एक सामांतरिक चित्र हेबो। तो उपपाद्य 23 रो पूरा उल्टा देजी ये उपपाद्य 23 रे कहिथिला जे सामांतरिक चित्रर विपरीत कोण मान परस्पर सर्वसम प्रमाण कर एटी कोण देछि जे जदी गोटे चतुर्भुजर विपरीत कोण मान परस्पर समान होउजंती बा सर्वसम होउजंती ताले चतुर्भुजटी गोटे सामांतरिक चित्र। चलो सामान्य कथन देखिकी आमे गोटे चित्र करिवा गोटे चतुर्भुजर चित्र चतुर्भुजटा सामांतरिक चित्र होइतिबा दरकार कहीं परवर्ती समय ताकु तुम्हें प्रमाण भी करिबे सेटा गोटे सामांतरिक चित्र बोली। चलो एबे ए बी सी डी होउछि गोटे चतुर्भुज जहाँ कि विपरीत कोण मान परस्पर समान अर्थात ए कोण सांगे सी कोणर परिमाण समान बी कोण सांगे डी कोणर परिमाण समान एति के ही आमको देछि केवल आउ आम प्रमाण करिवा जे ए बी सी डी होउछि गोटे सामांतरिक चित्र। चित्र पर आम दत्त लिखिबा ए बी सी डी चतुर्भुज रे ए कोण सांगे सी कोणर परिमाण समान एवं बी कोण सांगे डी कोणर परिमाण समान। चलो दत्त परे प्रामाण्य कोण प्रमाण करिबा ना ए बी सी डी एक सामांतरिक चित्र। सामांतरिक चित्र प्रमाण करिया पई हेले हमको कोण करिया पई पड़िबो ना विपरीत बाहु परस्पर सहित समांतर बोली प्रमाण करिया पई पड़िबो अर्थात ए बी सांगे सी डी समांतर ए डी सांगे बी सी समांतर बोली आमे प्रमाण करिबा। चलो प्रामाण्य परे एठी कोनोसी भी अंकन नाही आमे डायरेक्ट प्रमाण को जीवा। चलो प्रमाण तुम्हें जान चतुर्भुजर चारिकोणर परिमाण समष्टि के अफकोर्स जान चतुर्भुजर चारिकोणर परिमाण समष्टि 360 डिग्री। चलो लिखिबा जे ए बी सी डी चतुर्भुज जदि आम चारटा कोण मिसेबा माने मेजरमेंट ए प्लस मेजरमेंट बी प्लस मेजरमेंट सी प्लस मेजरमेंट डी आमको मिलिबो केते 360 डिग्री बुझिपारलो। चलो एटि देखो कोण को आइछि जे ए कोण सांगे सी कोणर परिमाण समान आ बी कोण सांगे डी कोणर परिमाण समान। तो देखो मु सी कोण जगह भी ए कोण लिखि दे परिमि दिटा तो समान ए कोण जहा सी कोण से। चलो बी कोण जगह मु डी कोण लिखि दे परिमि कि हां बा डी कोण जगह मु बी कोण लिखि दे परिमि कि हां काई ना दिटा तो समान। तो मु एटि कोण करबि ना सी कोण जगह रे ए कोण लिखि देबि आ डी कोण जगह रे बी कोण लिखि देबि बुझि पारले कि नै समान परा सब। चलो तो आम लिखिबा मेजरमेंट ए प्लस मेजरमेंट बी प्लस ए जो सी कोण अछि आ जगह मु लिखि मेजरमेंट ए प्लस ए जो डी कोण अछि आ जगह मु लिखि मेजरमेंट बी इक्वल टू 360 डिग्री। चलो वर्तमान तुम लक्ष्य कर एटि कोण हेछि ना दीटा मेजरमेंट ए हे हेछि आ दीटा मेजरमेंट बी हे हेछि बुझि पारलो। तो आम लिखि दे परबा 2 मेजरमेंट ए प्लस 2 मेजरमेंट बी इक्वल टू 360 डिग्री बुझी पार ना। अरे गुटे अंडा आ गुटे अंडा मिसले केतरा अंडा दीटा अंडा से भलिया देखो गुटे मेजरमेंट ए आ गुटे मेजरमेंट ए मिसले केतरा मेजरमेंट ए हबो दीटा मेजरमेंट ए से भला गुटे मेजरमेंट बी आ गुटे मेजरमेंट बी मिसी केतरा मेजरमेंट बी हबो दीटा मेजरमेंट बी। तो एटी कोन कॉमन जीवो तुम केबो सर 2 कॉमन जीवो। तो आमे 2 को कॉमन नेले पाइबा मेजरमेंट ए प्लस मेजरमेंट बी इक्वल टू 360 डिग्री बुझी पार्लो। एबे जो दुईटा एपटे कौन है गुण नहीं कि चार पाक गले कौन है हरण हो तो 360 रे जदि आमे दुई हरण करिबा आम पाइबा 180 डिग्री बुझी पार्लो। ए दुईटा आर पाक नहीं हरण कर दियो तुम पाइब 360 रो अर्धा माने 180 डिग्री तुम पाइबा मेजरमेंट ए प्लस मेजरमेंट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो भले कि देखो आम कौन पाइले मेजरमेंट ए आ मेजरमेंट बी को मिसेले 180 डिग्री हम किंतु किंतु पूर्व आम गोटे प्रॉपर्टी पढ़ीचे जे जदि दीटा समांतर सरल रेखा को एक छेदक छेद करे जदि एटी ए बी ए डी सरल रेखा अछि आ एटी बी सी सरल रेखा अछि दीटा समांतर सरल रेखा को एक छेदक छेद करे तले छेदक एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण द्वयर परिमाणर समष्टि 180 डिग्री सबस। तो एठी आमे आग्रु ही पाई गलेनी जे ए कोण बी कोण माने छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण द्वयर परिमाणर समष्टि 180 डिग्री यार अर्थ होउछि ए डी समांतर बी सी बुझि पारल कि नै काहेकि ना आमे आग्रु पढ़िछे जे दुईटा समांतर सरल रेखा को एक छेदक छेद कले उत्पन्न होतिबा छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण द्वयर परिमाणर समष्टि 180 डिग्री एटा होउछि छेदकर एक पार्श्वस्थ माने गुटे पाखरे थिबा अंतस्थ कोण दुईटार परिमाण
ତାଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ହେବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଏ କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ ବି କୋଣର ପରିମାଣକୁ ମିଶେଇଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଡି ସମାନ୍ତର ବିସି ବୁଝିପାରିଲ ନା ତ ଲେଖ ଏଡି ସମାନ୍ତର ବିସି ବାସ୍ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ଏବି ସମାନ୍ତର ସିଡି ବୋଲି ତାପରେ ଏଇ ଚତୁର୍ଭୁଜଟି ଆମର ସମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ହେଇଯିବ ଦେଖ ପୁଣି ଆମେ ଲେଖି ଦେଇପାରିବା ପୁଣି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛେ ଏ କୋଣ ବି କୋଣକୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ତ ଲେଖ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଏ ପ୍ଲସ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଏ କୋଣ ଯେ କେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ତୁମେ କହିବ ସି କୋଣର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ତ ଏ କୋଣ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସି କୋଣ ଲେଖି ଦେଇପାରିବି ତୁମେ କହିବ ହଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି ମେଜରମେଣ୍ଟ ସି ପ୍ଲସ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହଁ କି ନା ସି ସାଙ୍ଗରେ ବି ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସି ସାଙ୍ଗରେ ବି ମିଶେଇଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖ ଦୁଇଟା ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖାକୁ ଏକ ଛେଦକ ଛେଦ କଲେ ଯେମିତିକି ଏବି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ତା ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେଉଛି ସି ଡି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଏବି ଆଉ ସି ଡି ଦୁଇଟା ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ହେଲେ ଯଦି ବିସି ଗୋଟେ ଛେଦକ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣଦ୍ୱୟର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ହେଲା ତ ଦୁଇଟା ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖାକୁ ଏକ ଛେଦକ ଛେଦ କଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଛେଦକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣଦ୍ୱୟର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ସେ ଯେହେତୁ ବି କୋଣ ଆଉ ସି କୋଣକୁ ମିଶେଇଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟା ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ୍ତର ଏବି ସହିତ ସି ଡି ସମାନ୍ତର ହେବ ବୁଝିପାରୁଛ ଚାଲ ଆମେ ଲେଖିବା ଏବି ସମାନ୍ତର ସି ଡି ତ ଦେଖ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ଏଡି ସମାନ୍ତର ବିସି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ୍ତର ଆଉ ଏବି ସମାନ୍ତର ସି ଡି ବୋଲି ବି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏବିସିଡି ଗୋଟେ କି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏବିସିଡି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଏବିସିଡି ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରୁଭ୍ ବା ପ୍ରମାଣିତ ବୁଝିପାରିଲ ଚାଲ ଧନ୍ୟବାଦ